सर मेरा नाम अंकित कुमार भट्ट है। मैं वोट डालने जाऊंगा। सबसे पहले मेरा पहली बार वोट देना है, तो मुझे सबसे खुशी है कि मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। और सर मैं मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली जो है, तो बचपन से ही सबसे पहले ही वो पहले से ही वो लोग भाजपा को वोट देते हुए आ रहे हैं। तो सर मेरा ये कि मैं भी भाजपा को वोट दिखाऊंगा। कारण क्या है? फैमिली वोट दे रही है इसलिए, या आपको लगता है कि नहीं, आपको आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, कोई ऐसी चीज है, कोई कारण है जिसके कारण? सरकार देखिए, कोई भी सरकार हो, सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। कुछ तो उसका भी खराब हो, कुछ इसका भी है। तो भाजपा कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। भाई स्टूडेंट के लिए खराब है, क्योंकि ना तो वो अच्छी नौकरी निकल रही है, और नौकरी अगर निकल भी रहा है तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, धांधली हो जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर मतलब उसमें स्टूडेंट के लिए नहीं ठीक है, और अगर और ऐसे मामलों में देखा जाए तो भ्रष्टाचार रुक गया है, और मतलब जो गुंडे मवाली हैं उनको देखा जा रहा है अच्छे से, उनके उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। के लिए वो सोशल रीजन या फिर इकोनॉमिक रीजन जो है वो ज्यादा बड़े हैं? यही सवाल आपसे भी पूछता हूँ, और एक एक करके सवाल मैं सबसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से जब आप वोट करने जाएंगी, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिस पर आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए, या आपका वोट किसी भी पक्ष को, मैं किसको नहीं पूछ रहा हूँ, वो आप लोगों का अधिकार है, क्यों मिलेगा? तो मेरा नाम प्रियंका मिश्रा और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छात्रा हूँ। बेसिकली मैं गांव से आती हूँ, और गांव में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है। हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर जो ये लोग पशुओं को छोड़ देते हैं, वो आके हमारी खेती खराब कर दे रहे हैं। तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमारी फसल खराब हो जा रही है, तो हमें खाने में दिक्कत हो रही है, और हमको बराबर राशन भी नहीं मिल रहा है। तो फिर हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आपका गांव कहाँ है प्रियंका, बता पाएंगे आप? मेरा गांव बीकापुर साहिबगंज। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये जो आप दिक्कत बतानी, हमने कई सारे किसानों से सुनी है, पूछी है कि छोटा पशु जिसको कहते हैं यहाँ, उनके कारण फसलें, जो खड़ी फसलें होती है, वो खराब होती हैं। जी उसके लिए सरकार ने निकाले गौशाला बनाया, हर हर गांव में, हर ग्राम सभा एक गौशाला है, प्रधान उसका देख रेख कर रहा है। उसके लिए मतलब दो कैंडिडेट रखे गए हैं, उसके लिए प्रॉपर भूसा कटाया गया है, और फिर सब कुछ किया गया है। तो अगर उसके लिए नहीं, तो उसके लिए प्रधान से बात किया जाए, फिर ब्लॉक में जाया जाए। हाँ, पर जैसे अब उन्होंने बोला ना, व्यवस्था है, क्या व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है? क्योंकि अगर नहीं कर रही होती तो समस्या नहीं होती। हाँ जो वहाँ पे चारे उनको दिए जा रहे हैं पशुओं के खिलाने के लिए, वो उसका लोग गलत मतलब उसको बेच दे रहे हैं, उनको दे नहीं रहे बराबर से। तो वो भूख के वजह से सड़क पे आ रहे हैं, लोगों का खा रहे हैं, फसल खा रहे, खराब हो रही है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए। मतलब वो जो गौशालाएं बनाई थी, अगर वो सही तरीके से काम करती तो वो पशु बाहर नहीं आते, आप ये बोल रही हैं? जी बिल्कुल। यही सवाल लेकर चलते हैं। देखिए, मैं बोला ना, सबके अपने हिस्से के मुद्दे होते हैं। दो लोगों से बात करके दो अलग इशू आ गए। आपके हिसाब से सरकार चुनने का कारण क्या होगा, जिसको भी आप वोट करें, वो आपका मत? सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेजर मुद्दा रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट का रहेगा। वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, और क्योंकि मेरी बहन यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया था। बहुत मतलब जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्ट बहुत सारे पेपर लीक की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर पेपर अच्छा हो भी गया तो पेपर लीक हो गया, और दोबारा से री एग्जाम्स होते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, और कई अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ पूरी कंट्री के फ्यूचर की बात है। आपका नाम? स्नेहा यादव। स्नेहा ने जो कहा वो भी एक ऐसा इशू है जो खूब सुनाई देता है कि पेपर लीक से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो परेशान होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।